वहाँ इतिहास पढ़ाया नहीं जा रहा है, वहाँ समाजशास्त्र पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो जितने भी लोग जो नई यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, मैं तो ये कहना चाहूँ कि चाहे आप एमबीए कर रहे हैं या बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं, पेट्रोलियम भी टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है कि आपको कम से कम एक सब्जेक्ट इतिहास में लेना है, एक सब्जेक्ट समाजशास्त्र। ये बहुत, क्योंकि ये तो कहना बहुत आसान है कि हमें समझना चाहिए, लेकिन जितनी भी नई नई यूनिवर्सिटीज हैं कहीं भी ये बातें नहीं पढ़ाई जा रहे हैं। तो अगर आप जो भी अभी साइंस का सब्जेक्ट, जैसे कि जितनी भी यूनिवर्सिटी साइंस की यूनिवर्सिटी, ये सब बातें नहीं पढ़ाई जाती। ये बहुत जरूरी है कि आप एमबीए टेक्नोलॉजी जो भी कर रहे हैं, साथ साथ कम से कम एक या दो को समाजशास्त्र में कंपल्सरी किया जाए, तभी आप इन बातों के बारे में सोच पाएंगे। आलोचना की दृष्टि तभी बनती है जब हम इन सब विषयों को पढ़े, समाज के बारे में सोचें। सोनल मानसिंह जी, फाइनल कमेंट। जी, आप सबकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये भी कहूंगी कि रिलीजियस स्टडीज एंड ऑल दीज, अब ये सारे बहुत बढ़ गए हैं, उसमें मेन स्ट्रीम रिलीजन्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जैसे अरुणाचल में दोनी पोलो, द सन एंड मून, पुराने जितने हम कहेंगे एनिमिस्टिक, लेकिन मैं कहती हूं कि हजारों तरीके की भावनाएं मौजूद हैं, तो इन सबका मेंशन तो हमें कहीं मिलता नहीं है। मैं अरुणाचल दो तीन बार गई हूं तो मैं इंटरेस्ट रखती हूं। दूसरी बात कि हमारे म्यूजियम्स तो ऐसे ही मरे पड़े हैं, नेशनल म्यूजियम हो या कहीं हो, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की चीजें हमें कहां देखने मिलती हैं, है ना। और तीसरी बात यह है कि एक कहीं कहीं कहा था जनजातियों के बारे में, तो जैसे बिहू है आसाम का, बहुत फेमस हो चुका है, और ये आठों प्रदेशों में, राज्यों में लड़के लड़की स्त्री पुरुष मिले